डिस्कस करवा देखो 2023 रे जो आपंकर रिसेंटली आज ही एग्जाम सरची ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल तार जिते भी क्वेश्चन आसाला ताकि आज देखने ओके आंसर की देखने चलतु ठीक अच्छे। तो ये पेपर देखो क्वेश्चन सेट है ये सी। तो आज जी आम लेवल कथा देखा देखो आपंकर जिते भी लेवल था तो इजी रु मॉडरेट लेवल रहा माने हाई लेवल तो नथिला मॉडरेट रु हाई लेवल नथिला इजी रु मॉडरेट लेवल थिला ओके। आउ देखंतु आमर जो जीके सर जी पढ़ाऊ जीके कथा जी आम देखा तो आपण मैंने जानते जीके रु नियरली 17-18 क्वेश्चन रही आमर जो डिस्कस होता वीडियो रे नियरली 13-14 पाखापाखि डायरेक्ट क्वेश्चन से आपर 13-14 आउट ऑफ 17-18 क्वेश्चन रु 13-14 डायरेक्ट क्वेश्चन रही आप मैथमेटिक्स रिजनिंग तो पूरा बाहतर सॉल्व करियो आपण माने एते इजी थिला मैथमेटिक्स आ रीजनिंग क्वेश्चन ओके। आउ ता सहित कंप्यूटर भी आम डिस्कस करथिलु सेथि भी इजी रहितला क्वेश्चन एते हाई नथिला ठीक है। आउ इंग्लिश रो भी सेमती रहितला आउ सिचुएशनल अवेयरनेस जो आम जो 2-3 क्लास करथिलु सेथि डायरेक्ट क्वेश्चन पळी आस्तला माने इंटरनेट रे जो क्वेश्चन जो गुरी बोलथुला से क्वेश्चन को आणकी से माने ऐड कर दिछन्थि क्वेश्चन पेपर रे ए सब टाइप रो क्वेश्चन रहितला ओके। आसंतु आसंतु ओके तो चलतु प्रथम क्वेश्चन आम देखने ये कौन पचार देखो आमर जो जीके पढ़ाई था तो से भितर भी क्वेश्चन रही जमी आप कहली तो ये रही देखो द फास्ट कोडिंग अवार्ड वाज अवार्डेड इन डेस बाय डेस एक पचार तो प्रथम थर पर कोडिंग अवार्ड ए के दिखाला आउ क्या द्वारा दिखाई है एक पचरा तो यार आंसर कौन हम कहतु जल्दी प्रथम क्वेश्चन आंसर कौन देखते आप तो ये आपंकर राइट आंसर बी हो बुझिपारे 1952 यूनेस्को द्वारा ही दिखाला तो ये यार राइट आंसर एक नंबर बी ठीक अच्छे। ये था गोटे प्रथम क्वेश्चन तापर देखने वाइए कौन पचरा आमको 2 क्वेश्चन दिखाई कौन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सॉवरेन डैश डैश एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डैश पचराई यहाँ आप पॉलिटी रू क्वेश्चन रही था कहतु यार क्वेश्चन कौन देखते देखो आउ कि पिला ए मत कमेंट भी करते सहित से मैंने मेसेज भी करते पेपर लिक कथा मुझे देखुची किसी वीडियो पेपर लिक कथा से जनावे तो आपने टी साइलेंट रुंतु ओके क्लास सर आम रिसर्च करापर वीडियो बनवा ओके ठीक है। आप साइलेंटली देखु तो कौन हम यार राइट आंसर 2 ये हो यार राइट आंसर ये सर न तो ये हम सोशलिस्ट आउ सेक्युलर तो ये हो यार राइट आंसर ठीक है। देखो जीके ऊपर मुझे डिस्कस करूनी कहीं आम जो सार थे तो सी ही डिस्कस करके तो आम रिजनिंग मैथमेटिक्स आउ इंग्लीश यू उपर डिस्कस कर भल भाव में कौन कौन सब के लेवल रही है तापर 3 क्वेश्चन कहतु कौन हम ए कौन पचार इसरो लोगो माने इसरो लोगो को कलर रही था एक पचरा आमको तो कौन हम यार राइट आंसर देखो ये हो ऑरेंज आउ ब्लू यस ऑरेंज आउ कमला कलर ता सहित ब्लू बा नील कलर रे एक पचरा देखो एटा गोटे क्वेश्चन रही 4 आंसर कौन हम ए कौन कहूँ देखो इफ रिया कॉर्ड्स जदि रिया ए को 1 देन हाउ विल सी कॉर्ड सी माने कौ लेवल रो क्वेश्चन देखूँ ए को जदि 1 सी को कौन कॉर्ड कर एक पचरा तो कौन हम बी है ए जदि 1 बी है 2 तो सी हम कौन ना ए 3 बी हम यार राइट आंसर ठीक अच्छे। चलतु देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन एम कौन पचार देखो ए पचार ओडिशा हो गला सॉरी ओडिया जदि ओडिशा कहुची तो तेणी मराठी कौटी कह पचरा मराठीटा कौटी कह जाए मराठीटा कहतु जल्दी एटा महाराष्ट्र ही कह जाए ये सर न तो ओडियाटा ओडिशा रे मराठीटा महाराष्ट्र रे तापर देखंतु एटा आमे ए टाइप रो क्वेश्चन केते डिस्कस करछे कहले आमर जो रैंक वाला क्वेश्चन प्राय जति के आमे क्वेश्चन नै के आस्तौ सेतिर रैंक वाला क्वेश्चन मु नेहाति सेतिर गोटे दुईटा आपन मानको पई ऐड करथाउ यस। तो एथिरे कुआ हि देखंतु राजलक्ष्मी इज द 5th एंड लास्ट तो स्टार्टिंग रु कोन कुआ होची देखंतु माने करंतु गोटे आपन को र रहीची र कथा मु कहितिल आपन मानको एमति माने करंतु गारो तो एपटे नहले तोलाड को मुहे थियो से माने ओके ए टाइप रो रहीची हला आपन को र सेफ किसी लोक अच्छा तो ए देखा जाए जी 5th 5 स्थान किए रही 5 स्थान में आपणकर राजलक्ष्मी एंड सी लास्ट रही तो आप गणी गणी आणतु पूरा जी देखा जाए तो लास्ट रही है राजलक्ष्मी तो तेज एटा है 5 स्थान तो ये जगह आम पचार हाउ मेनि पर्सनस एर अच्छा तो सी 5 मैंने सी हम यार राइट आंसर 5 ही अच्छा एते इजी क्वेश्चन आप देखिए चलतु आम यू के हाई लेवल भी क्वेश्चन आम डिस्कस करके चलतु 7 क्वेश्चन देखा ये कौन पचरा आमको यार नेक्स्ट नंबर टी कौन हम पचार प्रथम आसला 12 13 तो 1 मिसला तापर ए 13 14 15 2 मिसला तापर ए 3 मिसला तापर ए 4 मिसला तापर ए 5 मिसिबो तो 22 5 के
सतैश, तो सतैश सी हो राइट आंसर। ये गोटे क्वेश्चन थी आप ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार आठ नंबर, तो ये पचराई वन बी तीन तापर फोर देखो ए दुई नंबर जगटा तो तेणुकर छाड़ दिगला बुझिपाले। ये सेमती चारि ये है पाँच नंबर जगटा ये अच्छी तो ठीक सेमती छः सात सात रत पर आठ किए आठ है ये आठ एच तापर आसला नौ तापर देखो आप दस रे किए आस दस आस नौ पर दस तापर नेक्स्ट स्टेपटा जोटा कि एगार ये सर न एग आप हाँ नौ पर दस दस पर आपंकर एगार नंबर लेटर रहीपर ए रार तो दस बार कौटी अच्छे दस बार दस बार ओके तो ए दुटा भितर गोटे ठीक हम एटा काटि दिंतु ये हेनी आपंकर तो एगार किए हम जे देखो जे आपंकर दस कितु एगार है के तो बी हो रईट आंसर बुझिपारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने ये कौन पचार ये देखो ये गोटे कौ क्वेश्चन आप भाव चलतु मत क्वेश्चन देखला बेलू रिजनिंग आ मैथमेटिक्स मैंने बहुत हसल लगुच इजी क्वेश्चन आम यहाँ के हाई लेवल क्वेश्चन भी प्राक्ट करते इजी क्वेश्चन से आमको एर पचार देयर आर ट्वेंटी डजन्स एक्स केप्ट इन ए बकेट हाउ मेनि एक्स आर देयर इन द बकेट तो आपड़ जानते गोटे डजन मान के बार तो जब ट्वेंटी डजन रहा तो तेज आप ट्वेंटी मल्टीप्लाई करदे कोड़े आया मल्टीप्लाई करते बार जुड़ी चबीस तो सी हो राइट आंसर ये सर न तो ये टू फोर्टी हो राइट आंसर सी ये गोटे क्वेश्चन तापर देखो ये टिके कन्फ्यूजिंग लगी थे आपन को एथेरे कौन पचार देखो आमको पचार कि नंबर्स वन रु नौ पर्यंत एरेंज कर रखाई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ए टाइप रखाई तापर कौन पचार वन इज एडेड टू इच नंबर तो सबुरे वन एथेरे सबुरे सबुरे वन वन सब मल्टीप्लाई आम एड कर दिगला बा मिसई दिगला तापर एथेरे जेतेबेले मिसई देला तो एथेरे ताले नुआ गोटे आ गोटे रो हो ये सर न तो एटा मन कर ये दुई तो ये एक एक मिसला दुई ये है तीन ये एक मिसले तीन सौ तो ये हो चार ये हो पाँच ये हो छपर जो ये गोटे सी एड मानने नुआ गोटे क्वेश्चन पचारा इन द न्यू रो पचार देखो इन द न्यू रो फाइंड द पोजिशन अफ द नंबर टू दुई नंबर पोजिशन बाहर करूँ तो दुई नंबर पोजिशन के फास्ट रो अच्छी तो ये हो यार राइट आंसर बुझिपारे। किंतु देखु सी जदि तार अलग मोटिव पचार थे पचार जो प्रथम रु दुई नंबर टी रही तो तार न्यू रो मान तार पोजिशन केन हो बुझिपारे। तो देखो यहाँ टी कन्फ्यूज हो पाए आप तो मत भी कन्फ्यूज लगुच से पुराणा दुई कथा पचारूँ नुआ दुई कथा पचारा टी आप जानवर रही तो यहाँ मुझ कन्फर्म नुहे ओके तो सेटा जदि आपंकर नुआ दुई कथा पचार थो तो तबे सी फास्ट हो जदि सी पुराणा दुई कथा पचार थो तो ये हो सेकेंड बुझिपारे। तो यहाँ मुझ कन्फ्यूज अच्छी आती कहूनी सैटा फास्ट होता पारे कि सेकेंड होता पारे आप ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वा ए कौन पचार आमको ये देखो मैंने कौन कह क्वेश्चन को देखला पर ओके तो याठ के मैंने भल भल क्वेश्चन आम डिस्कस करूँ कि क्वेश्चन आगे ढाला तो ये कौन पचार देखो धीरज इज सुलेखार भाई ओके तो धीरज रही प्रथम धीरज रहा डी मु लिखिदेली धीरज किए सुलेखार भाई तो तेज सेम जेनेसन तो एस मु लिखिदेली ओके कौन पचारा सुलेखा इज ए रेशभ्र सिस्टर तो सुलेखा कहार ना रेशभ्र ए सिस्टर तो तेज सेम जेनेसन मुझे से सेम गोटे गोटे गार दे दूँ ओके गोटे गोटे गार तापर आम पचार रेशभ रेशभ धीरज को कौन डाक तो रेशभ धीरे को कौन डाक रेशभ धीरे को कौन डाक भाई डाक तो तेणुक सी हो राइट आंसर येस ये गोटे क्वेश्चन तापर ए कौन पचाराई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आमको पचार ए तीन टा ए दिगला तापर बी सी दिगला येस तीन टा बी दिगला आमको तापर पचार डैश हम देखो ए प्रथम तीन टा ए दिगला किए रही बी तापर बी रन टा पर्यंत एड कर गणदेलु बी सी डी ठीक सेमती भी भि दिगला भि दिगला मैंने भि पर किए स्टी भि डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई हो ठीक अच्छे तो ये होती ए यार राइट आंसर तापर मन करूँ ए पचार दे था आपको कौन ना ए मन करूँ कौन था मन करूँ तीन टा एस पचार तीन टा एस पचार तो से जगह आपंकर यार एनसर कौन हम तापर एनसरटा कौन होता निहती आपने कमेंट बक्स में मतलब जनइबे ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचराई ये देखो केते इजी क्वेश्चन मुझे भाईपारे ए कौन पचार देखो इच लेटर ऑफ द टर्म कूल ओके कूल को जदि ए नेक्स्ट टर्म मैंने सबुरे कौन कर देखो इच लेटर ऑफ द टर्म कूल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट लेटर तेरे जो कूल री रही सी नेक्स्ट मैंने तार नेक्स्ट लेटर को मुझे लिखिदेवी सी जगह डी ठीक सेमती ओ तापर ओ पर पी हो
एठी भी ओ तापर पी हो एल एम हो तो एटा कौ जगार अच्छी ए हे यार राइट आंसर एटा गोटे क्वेश्चन आसाला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखो आम ये चौदह नंबर एथेर कौन पचारमको देखो एथे रही बी ए तापर रही सी बी ओके तो प्रथम स्टार्ट कला कौटू प्रथम ए बी रु स्टार्ट है ए तापर देखो एथेर सी बी डी सी ई डी तो बाकी की रहा बाकी एटी ई पड़े आसो ई आउ एफ पड़े आसवे बट ई आउ एफ जो आसवे से किए आगे रोरे ई आगे रहा एफ आगे रखु आपणकर देखिपे देखो डीटा ये फास्ट ये लास्ट बुझिपारे ठीक सेमती देखते ए बीटा ये फास्ट ये लास्ट एथेर सीटा फास्ट लास्ट ठीक सेमती देखो ईटा तो ये फास्ट अच्छे मैंने लास्ट को जीव यस तो तेणुक ई ईटा लास्ट रहा एफ्टा फास्ट को आसो तो एफ इ कौटी अच्छी सी हे यार राइट आंसर इतना गोटे क्वेश्चन चलत नेक्स्ट क्वेश्चन एम कौन पचार ना एमको पचार कि साइना ओके साइना फॉलोजी पैटर्न सी वर्क्स ऑन द फास्ट टू डेज तो प्रथम दुई दिन सी काम कै ओके प्रथम दुई दिन काम करे एंड टेक्स रेस्ट ऑन द थर्ड डे तो जो तीन नंबर दिन अटी सी रेस्ट नहीं जाए बट एटारे सी काम करे प्रथम दुई दिन ओके तापर इफ सी बिगेन्स वर्किंग ऑन मंडे मंडे मैंने सोमवार सी काम करवा स्टार्ट कला तो सोमवार मंगलवार दुई दिन काम कला तापर नेक्स्ट कौन कहला व्हिच डे विल सी नॉट वर्क इन द सेम वीक तो कौ डे दिन से काम करनी मन करूँ तो ये मंडे में मैंने सोमवार स्टार्ट कला तो मंगलवार तापर नेक्स्ट किए रही बुधवार तो बुधवार मान कौन हम कहतु संडे मंडे वेन्सडे अच्छी ना ये सॉरी संडे मंडे ट्यूजडे अच्छी ना देखु देखु आप कौन हम यार राइट आंसर बुधवार अच्छी ए कौन हम कहतु किसी हम यार राइट आंसर तो ये आप नन ऑफ द एब सॉरी तापर देखो आहरी आगे जामे एटा देखो एमपाई तीन टाइम ऑप्शन अच्छी तो ये बुधवार सीना बुधवार से कम करें आगे आम जाए ओके तो सही भितर ऑप्शन रही सोमवार सोमवार मंगलवार बुधवार तापर आसला गुरुवार काम कर यस गुरुवार तापर ए कौन रहा आप गुरुवार रहा शुक्रवार तापर नेक्स्ट आसला ये दुटा काम कर वर्क रटा सी काम करना शनिवार ये शनिवार काम करना तेणुक ये सी हो रईट आनसर बुझिपाले मुझ आगे गणु नी बट एपेत अप्सन रही सर्टे तो ये हो रईट आनसर यही दिन सी काम करना यहाँ थी गोटे आप क्वेश्चन चलत एटा मुझ कौन कह क्वेश्चन आंसर मैंने केजी क्वेश्चन देखते ए कौन पचारा देखो एथेर प्रथम वन देलापर नेक्स्ट संख्याटा एड करदेला पुणी नेक्स्ट एड कर एक्सट्रा गोटे 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 ये गोटे ये गोटे पुणी ए जगार देखते कौन करवा ए जगार एटा रही मैं ए प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस आउ गोटे किए एक्सट्रा आसो ए पाँच आसो तो तेज यार आंसर आमको पचार कौन हम ए प्रथम रोज पाँच पाँच चार नौ नौ तीन बार बार दुई के बार दुई है चौदह चौदह एक पंदर तो बी हो रईट आनसर बुझिपारे तो ये जो है राइट आंसर ये था गोटे क्वेश्चन आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन पचार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचार कि सत्रह नंबर कौन पचारा ना ए पचार स्वीट सुगर फ्रुट ए दुटार तर रिलेसनशिप कौन रही देखो आम कौन जाचु स्वीट बा मिठाटा से कौर या सुगारु या चीनी या फ्रुटा फ्रुट बा फल से कहार या तो कौन रिलेसन रोनी ना मैंने मीठा किंबा चीनी सहित तो तेणुक यहाँ जब आपको स्वीट हे ये हम सुगार बुझिपारे आए हो फ्रुट तो तेणुक ये यार आंसर जोटा कि प्रथम ठीक अच्छे ये थी गोटे क्वेश्चन प्रथम ठीक हो मैंने ऑप्शन ए हम यार राइट आंसर ए हम यार राइट आंसर तापर क्वेश्चन टी देखो यहाँ टिके आपको टिके मैंने हार्ड लगी थी पारे बट देखने वाई क्वेश्चन टी कौन रही है कौन रही क्वेश्चन टी देखो एन आवर हैंड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग तो गोटे आवर हैंड माने आपाई कौन रहा गोटे आवर हैंड माने गोटे घंटा घंटा ओके मन कर घंटा रहा तो ये आपंकर आम जाचु तीन टा एटा नौ एटा आपंकर ये नौ ये बार ये तीन यस ये छ तापर ए कौन पचार हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इट्स टिप सॉरी मुझे आउथ मोर क्वेश्चन टाइम पढ़ी दूसरी अधार पढ़ली एन आवर हैंड इज ए 10 सेंटीमीटर तो गोटे घंटा कंटाटा ये आमको पचारा के पचार क्वेश्चन टी देखो गोटे घंटा कंटाटी एथेरे रही जहाँ कि 10 सेंटीमीटर ओके 10 सेंटीमीटर तार है डिस्टेंस टी तो तेणुक सी कौन कला ना सी 12 रु 3 पर्यंत एवं सी कौन कर बुल 12 रु 3 पर्यंत पूर्व एतिक आसिक ये पहुँच ठीक अच्छे तो एथेर जो एमती बुल बुल आसिक पहुँच तो यही जो बुलवाटी चापटी बुझिपारे गोटे चाप जहाँ को कहुए आर्क यस तो यही आर्क आमको डिस्टेंस पचार तो सी के डिस्टेंस बुलूची बा कवर करुच्ची आमको पचार आम एटा बड़ भाव तैयार दूसु मुझे बड़ करदे यस तो यही हो गला
तो देखो एमें जाचु तेज एटा आपर के डिग्री 90 डिग्री येस 90 डिग्री सम कौन ये आपको 90 डिग्री तापर ये आपर जो एटा गोटे कौन ये गोटे आपर रेसी जोटा कि रेडियस ये 10 आमको पचारे चापर तार दैर्घ्य के आम गोटे फर्मुला जाचु मन करूँ ये चापटा है मुझे लिखिदे कौन आर्क आर्क येस आर्क तो आर्क फर्मुला आम कौन जाचु ये आप कौन ना ये आप रेडियस इंटू थीटा थीटा बा जोटा कि आम एंगेल परिमाण जानूँ ओके आउ एंगेलटा कौन हो एंगेलटा एटा आपर रेडियन हम रेडियन आटा आम कौन दे डिग्री देखो आप टेक्निकल लगी थे रेडियन कौन आउ कौन ओके तो तेणुक आम कौन करवा एटा जेहेतु आमर दीटा थीटा थीटार मान के देखो थीटा थीटा मान ये 90 डिग्री तो तेणुक मुझ आर इंटू ए थीटाटा को लिखिपारि डायरेक्ट 90 डिग्री मान के रेडियन सेटा हो पाए बाय टू रेडियन येस एटा मन रखु तमें ये पाएटा को आम कौन लिखिपर पाएटा है 180 डिग्री पाएटा है रेडियन बुझिपारे मैंने डिग्रीटा जमी गोटे कोण तार मेजरमेंट रहा ठीक सेमती रेडियन गोटे कोण परिमाण कोण तार मेजरमेंट ओके तो ठीक सेमती जब आम 90 डिग्री बाहर करवा तो सी होते पाए बाय टू हो तो तेणुक मुझे ये जगह कौन लिखिदेवी पाए बाय टू येस तो आर भैल्यू आम जानूँ के 10 सेंटीमीटर तो पाए बाय टू पाएटा के जानूँ ये आपंकर 3.141 एटा जी जानी तो कर ना छाड़ दे पा मत जहाँ लगुच ओके तो यहाँ आप कौन करेंगे 3.141 करूँ डिवाइडेड बाय टू कर दिंतु तो या काटिदे देखो ये हो नियरली 1.5 पाखापाखी आस मल्टीप्लाई करदे आपर बी पाखापाखी आसो राइट आंसर बुझिपारे 10 × 1.5 15 समथिंग रो यार राइट आंसर बी बुझिपारे देखो एटा क्वेश्चनटा टिके मत लगुच बुझीपार नए जो मैंने डिग्री कौन रेडियन कौन ओके मुझे बुझीपार आपंकर पिस्थित कौन हो जगह तो ठीक है जब स्किप कर देखिए किसी प्रॉब्लम ना आपं भाया बहुत पिला अच्छे जार एत टेक्निकल नॉलेज नापर देखो ये कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन एथेर 19 नंबर पचराइमक तो ये पचराई कि कॉपी आपंकर इज यूज टू पेस्ट ए फाइल पचराई ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट ए फाइल देखो आम कौन कह क्वेश्चन आम एटा भी डिस्कस कर मैंने कॉपी करवा प्रिंट करवा पेस्ट करवा येस तो कॉपी जी करने चाहते तो तेज एटा आप सी मारे कंट्रोल सी पेस्ट करने भि मारे येस कंट्रोल भि आदि आप कट करने चाहते एटा आप कंट्रोल एक्स मारे आदि आप प्रिंट कंट्रोल पी तापर देखो ये आम कौन पचार नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर मेसीन कैन डू सिक्वेन्स अफ एरीथमेटिक एंड डेस टाइप वर्क कंप्यूटर गोटे मेसीन जोटा कि एरीथमेटिक वर्क भी करता सहित सी आउ कौ टाइप वर्क कर देखो ये रही लंग लॉजिकल ना फिजिकल तो ये लॉजिकल वर्क भी सी कर गोटे कंप्यूटर बुझिपाले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन पचार कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप अफ डेस् ह्विच कैन सेयार रिसोर्सेस तो देखो यहाँ गोटे कौ टाइप ग्रुप एटा फाइल ग्रुप ना सर्वर ना ये नेटवर्क ग्रुप ना ये कंप्यूटर ग्रुप हम कौन हम यार राइट आंसर कहतु ये 21 नंबर आंसर कौन दे आप देखु ये कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप अफ कौन ये जोटा कि ग्रुप अफ सर्भर ही हम बुझिपारे ग्रुप अफ सर्भर ही हम यार राइट आंसर देखो मुझ कंप्यूटर टीचर नुहे तो तेणुक डिटेल्स मुझक एक्सप्लेन कर पारे बट मैथमेटिक्स रिजनिंग आम अलरेडी देखी सारी किसी आउ आगे आम देखा इंग्लीश भी क्वेश्चन ठीक है चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखे ना ये एम एस वार्ड एटा गोटे कौन ये गोटे आपर जो ए वार्ड प्रोसेसर बुझिपारे ए वार्ड प्रोसेसर ये आप सी यार राइट आंसर तम जो थी आम एम एस वार्ड में वार्ड किसी लिखता हूँ टेक्स्ट जो थी लिखी था आम भल जानी कथ तापर देखो ये गोटे क्वेश्चन आम कौन पचार 19 नंबर जो थी कि 23 नंबर क्वेश्चन एमको पचार कि हार्ड डिस्क मैंने भितर कौटा डिफरेंट एक पचार तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव कीबोर्ड पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क ए भितर देखो आप जानते ये सब गोटे कौन ये सब गोटे मेमोरी येस मेमोरी जो थी कि स्टोर करते आम किसी जिनस बट कीबोर्डटा कौन आम डाटा से एंट्री करता तो तेणुक ये गोटे आपर इनपुट डिवाइस हो गला 23 यार आंसर यस तो तेणुक ये ऑड हो गला पचार कौन ना ये जिमेल फुल फॉर्म कौन पचार तो जिमेल फुल फॉर्म कौन हो हम यार राइट आंसर गूगल मेल यस गूगल मेल हम यार राइट आंसर तापर देखो ए क्वेश्चन भी आम डिस्कस करूँ रिसेंटली जो आम लॉन्ग गोटे माराथन करूँ फुल सेट करूँ एथेर आम ईमेल फुल फॉर्म ही जितने आमको पचार ईमेल फुल फॉर्म कौन हम ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल बुझिपारे इलेक्ट्रॉनिक मेल हो तो मेल आप जानते हैं डिफरेंट टाइप रही मेल जो थी कि आप ये जो ई जगार आप जी लगे पारे गूगल मेल हो कि याहूटा है वाई मेल हो
तापर देखो ये आमको कौन पचार देखो व्हाट डज ए बाइट रिप्रेजेंट इन द कॉमन कंप्यूटर्स। तो बाइट आप जानते जो के बी ओके किलो बाइट एम बी मेगा बाइट ओके जि बी जिगा बाइट। तो ये बाइट जो लास्ट रोचे से कौन कर ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप डाटा को बुझे डाटा जो थे कि रिप्रेजेंट यहाँ होता है। ये गोटे क्वेश्चन आमपाई आउ कौन कह देखो ये आमको पचराई कि बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड जिते बड़े आप कंट्रोल पी कि कौन से जिनस प्रिंट करने चाहते आपंकर कंप्यूटर से एक्सेल फाइल होता पार वर्ड फाइल होता पार कि पावर पॉइंट। तो से जगह ए बाय डिफॉल्ट कौ भाया आप ये प्रिंटा होता है। लैंडस्केप आप जानते मोबाइल टाइम जिते बड़े आप रोटेट करके भाया देखुं कि आप फ्री फायर पबजी खेल दूसरी बुझिपाले ना तो सेटा हो लैंडस्केप। आउ नॉर्मली आपंकर ए फोर जो आए प्रिंट या ए फोर साइज आता है तो यहीटा आपंकर नॉर्मली रही है डिफल्ट प्रोटेक्ट मोड्रे बुझिपाले। तो यहाँ तार ओरिएंटेशन आमको पचार तार मोड कथा पचार भी आम देखी। तापर देखो चार्ल्स बाबेज आमको पचार ये गोटे ये जड़े कौन थे ये जड़े आप मैथमेटिशियन थे जिकि आप कंप्यूटर को इनभेन्ट करते यहाँ गोटे क्वेश्चन। तापर देखो ये आम पचार गूगल सर्च इंजिन केवे क्रिएट कराई प्रथम थरपाई सी होगा 1998 प्रथम थरपाई क्रिएट कराई येस चलत। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचार हू रोट द फास्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो फास्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किए लिखते ये हो रईट आनसर जोड़े कि आडा लवलेस ये हम यार राइट आंसर ये प्रथम थर पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते। तापर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन पचार देखो हुज द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर मध्यम कौटा कौ जिनटे आपारे प्रथम तो वेब कन्फरेन्सींग करें आप वीडियो कॉल करें कि कंप्यूटर मध्यम आप चैट करें ओके। तो ये हो प्रथम आपंकर कंप्यूटर साइज़ डाउनलोड मूवी यस फिल्म डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट अमेज़न भी करेंगे यहाँ बट फूड डिलीवरी आपे ना जोटा कि फिजिकल वर्क कौन जिनपरि कंप्यूटर मध्यम। तो ये हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखो ये कौन पचारक पचार ASCII हेज जस्ट डैश कोड पॉइंट्स आउट ऑफ दिस ओनली डैश आर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। तो यार राइट आंसर देखो बी हो 128 ओके ये कोड हम यार राइट आंसर। तापर 98 को आप प्रिंट करेंगे चलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने वाले कौन पचार व्हिच स्टेट हेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो ये जो थी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रही आम यूर कौटा एक पचरा आमको तो कौन हम यार राइट आंसर महाराष्ट्र ये हो यार राइट आंसर ठीक है जोटा कि आम पूर्व भी पढ़ी महाराष्ट्र मराठी से क्या जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिचुएशनल अवेयरनेस क्वेश्चन ये आसगल आपंपाई एवं तो आपने उड़े थे पूरा जहाँ लगुच ओके आम देखो ये भाई क्वेश्चन जो डिस्कस करें डायरेक्ट से कॉपी करके पेस्ट करी पूर्व आपण बुझिपाले ये है प्रथम क्वेश्चन ए कौन पचार देखो सिचुएसन यू फाइंड ए बेबी व्विपिंग इन ए पार्क। तो आप देखे गोटे बेबी कौटी आपंकर पार्क बुझिपाले तो से जगह आप कौन करेंगे एथेर पचार टेक् द बेबी टू द डॉक्टर आप डॉक्टर पाक नहीं ना ए गिव द बेबी टू समवन क्या पाक नहीं ना टेक् द बेबी टू योर होम कौन हम यार राइट आंसर कहत। आप सिचुएशनल अवेयरनेस जानी थे तो ट्राए करूँ यार आंसर कौन हम ट्राए ट्राए कौन हम जल्दी कहतु कमेंट बॉक्स रे कौन आप कौन कौन आंसर देखते यार आंसर ट्राए करूँ आज जो मैंने लाइक करना गोटे गोटे निहाती लाइक करूँ आ कि भावार किसी भावार ना ओके। तो कहतु कौन हम यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ओके। तो मन करूँ किए से गोटे छोट छुआटे कांदुचे तो से जगह आप कौन करेंगे टेक् द बेबी टू द डॉक्टर डॉक्टर पाक नहीं जी किसी जी कांदुच गिव द बेबी टू समान आउ गोटे क्या देदेवि कि आप बेबी को किंबा टेक् द बेबी टू योर होम निज घर को नहीं आसवे कि ना रिपोर्ट करेंगे पुलिस पाखे जाकि रिपोर्ट करेंगे कि पिलाटे कांदुच तो से खोजी दिंतु ओब्वियसली आप जाइए पुलिस पाखे देखा करेंगे येस। तो तेणुक डी हो राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले कौन पचार देखो यू आर गिविंग योर स्पीच एट द पार्क ओके मन करूँ पार्क आप गोटे स्पीच दौरान मैंने देखिए से किसी भाषण दौरान सडनली ए लिसनर स्टैंडिंग क्लोज टू यू फॉल्स डाउन। तो आपंकर जो श्रोता जी शुणुजे आप स्पीच दे टाइम से शुणुला बट हटात तार कौन है सी तले पड़गला तापर आपंकर एक्शन कौन हम लिव द पार्क। तो आप जिते देखिले पड़गला तो आप डोरी दौड़े लिव द पार्क तापर इग्नोर द इंसिडेंट तो से घटना को आप इग्नोर करके पुणी स्पीच देवा स्टार्ट करेंगे हेल्प द फॉलन लिसनर तो हेल्प ताक करेंगे कि कौन पड़गला ना थे स्टैंड आइडल फॉर सम टाइम। तो आप स्थिर रोबे ओके आइडल मैंने स्थिर रहा
ସ୍ଥିର ରହିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ସେଥିରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲ୍ପ ଦ ଫଲେନ୍ ଲିସନର, ତ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଥିରେ 36, ଏଥିରେ ପଚାରିଦେଲା ଆମକୁ କି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ହେଭିଂ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବେଗର୍ ଆକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ୟର୍ ଫୁଡ଼, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଜଣେ ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ଼ ମାଗିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନର୍ମାଲି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ଘଟଣାଟେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ଫିଡ଼ ଦ ବେଗର୍, ବେଗର୍ ତ ଆପଣ ଭିକାରୀକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନା ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ? ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଏ ଯା ଏଠୁ ସାଇଡ଼, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତା'ପରେ ଇଗ୍ନୋର ଦ ବେଗର୍, ତ ବେଗର୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ନା ଗିଭ୍ ମନି ଟୁ ଦ ବେଗର୍, ତ ବେଗର୍କୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା କିଛି ଏ ବି ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ଡି ବି ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନା ଏଥିରେ ପଇସା ଦେବେ? କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏହାର ଆନ୍ସର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଓକେ? ପାଖାପାଖି 1300 ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 291ଟା ଲାଇକ୍, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 2 ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ସେତେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ଓକେ? ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ବହୁତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଡ଼ ଦ ବେଗର୍, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ଖୁଆଇବେ ନା କିଛି ପଇସା ଦେବେ? ଯେହେତୁ ସେ ବେଗର୍, ତ ତା'ର ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ତା'ର ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପଇସା ତାକୁ ମିଳୁନଥିବ, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ତାକୁ ପଇସା ଦେବା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ବଟ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ହଙ୍ଗର୍ ଯଦି ଏଥିରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା, କି ମନେ କରନ୍ତୁ ହଙ୍ଗର୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଲା, ସରି ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କହିଲି ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କହିଲି, ସରି ସେଥିପାଇଁ ସରି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ଼ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଓକେ? ଫୁଡ଼ ମାଗୁଛି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ତାକୁ ଖୁଆଇବେ, ଫିଡ଼ ଦ ବେଗର୍, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଖୁଆଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଥିରେ ଏ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ବେଗର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ଲମ୍ବର, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଣିକି କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ, ଓକେ? ପୁରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଆଣିକି ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ୟୁଆର୍ ବାଥରୁମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିକିଂ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନୋଇଂ ନଏଜ୍, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାଣି ଠୁପା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ପିଲୋ ଦେଇଦେବେ, ତକିଆ ଦେଇକି ଆପଣ ଶୋଇଯିବେ, ୟେସ୍, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅପ୍ସନ୍। ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଏ ବକେଟ୍ ବିଲୋ ଦ ଟ୍ୟାପ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ୟେସ୍। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ ବା ବାଲ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ ତା ତଳେ, ତାପରେ କଲ୍ ଦ ପ୍ଲମ୍ବର ଆଉ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ଏଇଟା କରିବେ ନା ଇଗ୍ନୋର ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିଲ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଗେଟ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଟି ଇନ୍ ଦ ଟ୍ୟାଙ୍କ? ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇକି ପଡ଼ିବେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଟି ନ ହେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ସି ହେବ ପ୍ଲମ୍ବର ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଠିକ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ଲମ୍ବର କୁହାଯାଏ, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଡାକିବେ ଆଉ ଠିକ୍ କରିବେ, ୟେସ୍। ଏଇଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ରାଧିକା ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୋପାଳ ଟୁ ଡେଲି, ତ ସେ ଭୋପାଳରୁ ଡେଲିକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲା ରାଧିକା, ସି ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ମେନ୍ ଫେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ତ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲା କି ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସେ ଏବେ ପଡ଼ିଯିବ ଭଳିଆ ନୋଟିସ୍ କଲା, ଓକେ? ତ ଦ କୋଚ୍ ବେଣ୍ଡ ହାର୍ କୋଚ୍, ଓକେ? ତା'ର ତା କୋଚ୍ର ପଛପଟରୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି ତାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ରାଧିକା, ତ ରାଧିକା ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ, ସେ କଥା ଏଥିରେ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବି ଆମେମାନେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୱିକ୍ଲି ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଲ୍ ମାନେ ଯାଇକି କ୍ୱିକ୍ଲି ପୁଲ୍ ଦ ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍, ତ ଆପଣ ସଡନ୍ଲି ଯିବେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଲାଗିଥାଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ତ ତାକୁ ଟାଣିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ମେ ବି ଷ୍ଟପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ମେ ବି ହେଲ୍ପଡ଼, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆଉ ଲୋକଟି ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ ତାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ସାଉଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ଫଲିଂ ମେନ୍ ଆସ୍କିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରନ୍, ତ ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଧରନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଢୁଳଉଛି, ଓକେ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପଡ଼ିଯିବ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଟି କରିବେ, ମାନେ ଜୋର ପାଟି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଉଠିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଦ ଫଲେନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତ ସେ ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସେଇଟା ହେବ ନା? ଏଥିରେ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପ୍, ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯିବେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତ ଟାଣିକି ତାକୁ ଉଠାଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଢୁଳଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ହଠାତ୍ କି ତାକୁ ଡାକିଦେଲେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଚମକିକି ଖସି ପଡ଼ିପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ହେବନି। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତେଣୁକରି ଟାଣିବା ବି ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଏଟ୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ୍,
यू फाइंड ए स्टूडेंट स्मोकिंग इन द प्लेग्राउंड। तो खेल पड़िया देखिले आपण गोटे पिलाटी स्मोक करुच्छे, तो से जगह आपंकर एक्शन कौन रोक एक आमको पचारे कौन हम। टेक द स्मोकर टू ए डॉक्टर, तो स्मोकर को आपन डॉक्टर पाक नहीं जी मैं डाक्टर पाक ना, तो रिपोर्ट द मैटर टू ए पुलिस, तो प्लेग्राउंड जहाँ भी होती तो सेटा आपन ताकू कौन रिपोर्ट करेंगे कि पुलिस पाखे स्कूल पिलाटा को बुझिपारे तो स्टूडेंटा जी। तापर नेक्स्ट होची रीड द सेम मिस्टेक टू टीच द स्मोकर, तो आपण ताकू सेम मिस्टेक करंतु बोली ताकू कहिबे एटा ठीक हो कि। इनफॉर्म द टीचर अबाउट द स्मोकिंग इंसिडेंट, तो आपण ताकू से जो स्मोकिंग इंसिडेंट होउछि सेटा आपनकर टीचर को जाके इनफॉर्म करबे। कोन हो यार राइट आंसर कोन तो कोन हे पारे यार राइट आंसर कौन है पारे यार राइट आंसर डेफिनेटली टीचर को आपन जाके इनफॉर्म करियो बुझिपारे। ताकू डॉक्टर पाकू नबार नै पुलिस पाकू इनफॉर्म करियो, छोटो पिलाटे पुलिस को कोन जाय कहिबे बुझिपारे। तापर नेक्स्ट हो एथरे आपनकू राइट आंसर डी हे जुवार राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनो एथरे कोन पचराइ छ आमपई ये देखंतु देखंतु आउ बड़ जिनस एथरे भी किछि पिला आई थिंक एटा जो 38 कथा मु कहि दउ छ आपनकू ओके। तो एथरे पिलांकर डिफरेंट टाइप रो आंसर भी आसी पारे, मन करंतु एथरे के कहतबे एटा आसी पारे के कहतबे एटा आसी पारे ताकू डाकिबा एटा देखंतु एटार एग्जाक्ट जदि मु कहिबी ना तो 38 रो 38 रो अधिक चांसेस रही डी हवा बढ़िया ओके मैं सॉरी सी हवा बढ़िया, तो आपन जाई ताको हेल्प करियो। बट देखंतु सेटा तांको ऊपर डिपेंड करे कि एटा से एटा ही थई पारे किबा एटा ही थई पारे बुझिपाले। तो तेन करे आपन को मु कहूछि 38 टा आपन टिके पेशेंट सहित जगंतु बहुत जल्दी आंसर आस जइबो एटा रो ओके। तो जोटा सबुडो ठीक ठीक हवा बढ़िया आपन को भी लागतो मते भी लागुछि बुझिपाले ना एटा 38 ना सबुथिरु ठीक ठीक होबार चांसेस रहीछि 38 रो आंसर बुझिपाले। तेणुकर जो मैंने एटा सेटा मारी तो पेसेंट सहित जगतु जेपर्यंत आंसर न आसी ओके। चलतु 40 कौन पचारा यू हिट ए बॉल विथ ए बैट व्हिच ब्रेक्स योर नेबर विंडो ग्लास, तो एटा भी आम डिस्कस कर क्वेश्चन को ये सर न आपने जानते क्वेश्चन को आम डिस्कस कर भल भाव में आप गोटे बल को कौन ब्रेक मानने हिट कले जहाँफर से जैक पाखे पड़ोसी घर तर विंडोज बाजला आउे ग्लास भांगला। तापर एर आपसर कौन हम, तो यार आंसर जब देखा देखो एम डायरेक्ट कहीदे तो प्रथम सी हम यार राइट आंसर आपंकर भूल जहाँ आप एक्सेप्ट करेंगे ओके क्षमा प्रार्थना करेंगे आउ से ग्लास को रिप्लेस करने बदलवाई आपको पे करेंगे पैसा देवे ये हो रईट आंसर आउ अगुड़ी छाड़ दिंतु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन पचारे आमको यू जस्ट केम आउट ऑफ योर होम यू रियलाइज दैट यू फॉरगॉट टू टेक योर वॉलेट, तो एथरे आपण मन करंतु कोड बाहर को बाहर ले तो से जगह जेतेले बाहर की किछ बाट पड़े आइछंती तो रियलाइज कले कि आपण को वॉलेट आपण माने भूली जाइछंती जो थरे कि पैसा पत्र रहिछि। तो आपण कोन करिवे आपण कोन भूली गले बोली सोए को फोन करिवे कि मोर माने एडा मु भूली जाइछि घरु टिके नै आसंतु पुलिस वाला को फोन करिके आपण जणौछंती 101 को ओके। तो सेटा ठीक नै तापर आपण घर को फेरिवे गो बैक टू योर होम एटा करेंगे ना एथेरे गो टू योर ऑफिस एज यूजुअल, तो आपन ऑफिस को पड़े बिना वॉलेट रे एटा करेंगे ना यूज योर मोबाइल फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स ऑब्वियसली डी हो यार राइट आंसर बुझिपाले ना वॉलेट मेनली कौन कौन पाई एथर पैसा पाई ही था बट आपंकर एथर वॉलेट बिना भी आप पे करेंगे बुझिपाले एक कथा एथेरे कहि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने एथेरे यू आर सिटिंग इन ए क्लब मन करते आप क्लब रे बसछंती द बैंड प्लेज द नेशनल आंथिम, तो आपंकर नेशनल आंथिम से बैंडटी हठात कि बजेवा स्टार्ट कला बुझिपारे नेशनल आंथिम जो जनगणमन तो से गायबा स्टार्ट कला, तो आप कौन करेंगे डांस करिया स्टार्ट करदे ना ताड़ी मारिया स्टार्ट करदे ना एथेरे स्टैंड एट अटेंशन पूरा स्थिर होकर आप पूरा शुणिले ना आप हाथ जोड़ी छिड़ा हे कौन हे जितेबाला आम मानने आम जनगण वमर जो नेशनल एंथेम आम शुणु तो से जगह आम कौन करता पूरा छिड़ा ही जाऊ तो सी हो यार राइट आंसर, तो आम हाथ के जोड़ा फोल्ड के करवा ना आपर जो प्रार्थना किंबा विश मागुच्च ओके से जगह हम कि यहाँ हम बुझिपारे, तो आप स्टैंड एट अटेंशन तो आप छिड़ा ही पड़े शुणे देखो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यू फाइंड ए पपी इन ए पार्क, तो गोटे कुकुर छुआटा आप गोटे पार्क रे पाइले तो ए जगह आप कौन करेंगे ऑफर फूड टू द पपी, तो ऑफर फूड फूड ऑफर करेंगे मैं ताकू देबे ना ट्राए टू फाइंड द पपीज ओनर, तो पपीज्र ओनर जी ताकू आप फाइंड करने ट्राए करेंगे ना एथेरे आप पपी को छाड़ देकी पलि आसिबे छोटो कुकुर छुआटे ताकू किए मानने आघात भी ताऊपरे तो सेटा तो तेणुक छाड़ देवे कि टेक द पपी टू योर होम, तो आपण घर को पूरा लुचेक नहीं आसले एमती के हम, तो आप डेफिनेटली तार जी ओनर रही तो फाइंड आउट करने ट्राए कर बुझिपाले ना, तो ये पॉजिटिव जिनस पॉजिटिव भाव में आप भावे नहींक आसवे घर को ओके ना आप आसुए तो ता पछे पछे तार ओनर गुड़े थो ये मो कुकर नहींगला कुकर नहींगला ये भाला गुड़े थो आप बुझिपाले ठीक अच्छे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला कौन पचार सिचुएशन यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल देयर इज नो वन टू कलेक्ट द फाइनल आंसर सीट फ्रॉम द एग्जामिनर एग्जामिन्स मन करूँ आप कौन कले ना आपन एबे एग्जाम हॉल रे अछंती एग्जाम दोउछंती बट आपन जो आपन को टाइम हेलानी आपन सब आंसर दे सालेनी तापर भी देखछंती कि केही नाहंती सेतिरे आपन को जो ओएमआर शीट को कलेक्ट करिया पई बा आपन को आंसर शीट को कलेक्ट करिया पई तो सेई जगह आपन कौन करिवे आपन आपन को बापा को कॉल करिवे बापा आउ केही एथरे नाहंती मु कोन पढेबि कि घर को एटा प्रथम ऑप्शन ओके तापर नेक्स्ट होला लीव द आंसर शीट इन द हॉल तो आपन आंसर शीट छाड़ दे पड़े आसिबे कि आपन को आंसर सीट छाड़ देबे आप मन करतु पवन फोन आसला उड़ी की पड़े बसे किंबा आउ की आसला से नहीं की पड़े आपन को आंसर सीट ओके तापर सी आसला वेट द एग्जाम टीचर टू रिटर्न तो आप वेट करिवे कि एग्जाम टीचर आसिया पई किंबा आप डी हबो कि गो टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफिस तो एटा हबो कि देखंतु पिला एटा भी मार थाई पारंती ये भी मार थाई पारंती बुझ पारले तो दीटा हवा वाले चांसेस रही तो तेणुक एग्जाक्ट आंसर आम आपको जनाऊनु बट मोर जहाँ मत जहाँ लगुच आप वेट करिया निहाती दरकार बुझिपाले वेट करिया निहाती दरकार कि जेपर्यंत आपंकर एग्जाम टीचर न आसी से कौन से कारण जो पाखापाखी रूम को जाई पारती तो तेणुक सी आसला पर्यटन आपको वेट करने पड़ो ओके तो यहाँ आप देखा पड़ो ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ये कौन पचार रियलाइज कले कि आपंकर कंप्यूटर बर्तमान हैक हो जाए किए हैक कर दे तो ए जगह एवं आप कौन करेंगे एक आमको पचराई कौन हम यार आंसर जल्दी ट्राए करूँ कौन हम तो आप कौन कर दरकार सटडाउन यार कंप्यूटर तो आपको कंप्यूटर को आप सटडाउन करेबे कि देखो आप कंप्यूटर जब हैक हो जाए सटडाउन कले कि आए हेनी ऑलरेडी तो हैक हो सारी ना गोटे जिनस तो सटडाउन कले भी आपंकर देखो आपंकर मन करूँ कंप्यूटर कौन थी आपंकर डिफरेंट जो वेबसाइट रही कि आपंकर किसी डाटा थी से कौन सी वेबसाइट तार अकाउंटर आई डी पासवर्ड थी एत सब जिनस ये सर न तो से सब गुड़ी ऑलरेडी ताक पड़े जाइए तो तेणुक आप कौन करेंगे निहाती आपन जाकी पुलिस को रिपोर्ट करिवे डी होबे राइट आंसर जेतेबे हैक होबो तो आपन जाकी पुलिस उपरे ही आपन निर्भर करिया दरकार ओके तो रिन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सेतेबे आ किछ काम करिवो जेतेबे थरे हैक सेइ सरला परे आ कोनसे एंटी हैकिंग एक्सपर्ट को ताकु जिया दरकार ने तो पुलिस पाकु जिया दरकार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु यू आर बेटिंग यू फेस टू कंसेक्यूटिव बाउंसर इन एन ओवर तो आप मन करते बैटिंग करती बैट धरती दुटा बाउंसर बाउंसर मैंने हाइट्रे मैंने आप मुंड पाखापाखी गोटे बल दुटा बल जा क्षेत्र में आप कौन करेंगे प्रथमटा कौन करेंगे प्ले द बाउंसर देन प्ले एज यूजुआल तो प्रथमटी आप बाउंसर को पूरा खेलीदे सेकेंडटी आप नॉर्मल भाव में खेलिए लिव द बाउंसर देन प्ले एज यूजुआल तो प्रथमटी आप प्रथम बल्टी को छाड़देवे सेकेंडटी आप नॉर्मल भाव में खेलिए प्ले द बाउंसर प्रथम आप प्ले कले देन कंटाक्ट योर कैप्टेन तो आप कैप्टेन को कंटाक्ट करेंगे कि यहाँ तो केवे भी हमने बाउंसर आसला क्षण कौन आप डरी आप कैप्टेन पाक जी कि यहाँ हमने लिव द बाउंसर देन कंटाक्ट द एम्पायर देखो जदि आपंकर भी देखो ए प्रथम जिनस आसला जदि अधिक हाई रहा ओके बाउंसर मैंने देखो बाउंसर आपंकर कौन हम ना जदि अधिक हाइट रहा तो डेफिनेटली आप प्रथम बाउंसर को छाड़देवे आप कंटाक्ट को एम्पायर मैंने एम्पायर जी अच्छे कंटाक्ट करेंगे कि यहाँ व्हाइट दे दिखाँ आप बुझिपाले एटा हम यार राइट आंसर जदि अधिक बाउंसर है ठीक अच्छे तो ये हम यार राइट आंसर बट ए आउ गोटे कौन रही आपंकर बुझिपारे एटा भी होता है कौन ना मन करूँ बाउंसर टी एत हाई भी नुहे जमी व्वैड हो मन करूँ आप मुंड पाखापी कांध पाखापी जा तो ये जगह आपंकर छाड़देवे आप गोटे बल मिस तो से जगह आप कौन प्रथम बल टी लिव करदे छाड़देवे सेकेंड सेकेंडटा को आप यूजुआल खेलिए एटा भी होता है मुझे ना आपको सिचुएशनल एयरनेस सेटा मैंने किसी क्वेश्चन आपको निहाती कन्फ्यूज कर बुझिपाले ना तो सेटा डिपेंड कर कि से कौन भावुंट से कौटा आंसर देते ओके तो अधिक चांसेस रही डी हबार बट बीटा को भी आप पेसेंस सहित जगतु ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला देखो सिचुएशनल एयरनेस जापी जो मैंने से देते निहाँ कन्फ्यूज रोते तो कमेंट आप न करके पेसेंट सहित बसतु आंसर को वेट करूँ आप सिचुएशनल एयरनेस ओके जोड़ी को अधिक चांसेस रही कहीदे आपको तापर कौन रही देखो यू सी एन एडवर्टाइजमेंट बाय दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस सी गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर कले इट्स हेडलाइन इज टू व्हीलर्स आर मिंट फॉर ओनली टू ता माने जति सब बाइक रही दुई चकिया बाइक से दुई जन लोक ही बसी पारे एक कहगला तो से जगह आप कौन करेंगे प्रथम देखो इग्नोर द एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट को आप इग्नोर करदे ना से जहाँ कहते कहुत मोर जी नवा दबार ना ओके तो छाड़देले आप प्रथम पॉइंट
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ପିପୁଲ ନଟ୍ ଟୁ ଫଲୋ ତ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ପିପୁଲକୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରନି ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ରହିବ କେବେ ବି ସେମିତି କରିବା କଥା ନାହିଁ ଗୋ ଟୁ ଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫର ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବେ କି ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସି ହେଇଥାଇପାରେ ତାପରେ ଲିମିଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଇଡ଼ର୍ସ ଅନ୍ ୟର୍ ବାଇକ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ ଆସିଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ତାକୁ ଲିମିଟ୍ କରିବେ କି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଯେମିତି ବାଇକ୍ରେ ନ ଗଲେ ୟେସ୍ ତ ତେଣୁକରି ଡି ହେବ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ସପ୍କିପର ଇଜ୍ ୟୁଜିଂ ଦ ରଙ୍ଗ ୱେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ସପ୍କିପର ବା ଗୋଟେ ଯିଏ ବିକେ ଓକେ ବା ଦୋକାନୀବାଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରଙ୍ଗ ୱେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଜାଲିଆତି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଓଜନ କରୁଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବିଟ୍ ମାନେ ବିଟ୍ ଦ ସପ୍କିପର ତ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଢାଇ କିଲା ଓକେ ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆସ୍ ଦ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ହିଜ୍ ସପ୍ ତାକୁ କହିବେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପୋଲିସ ଏଇଟା ଅଧିକ ଟିକେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଦେଖିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ରହିଛି ଇନଫର୍ମ ଦ ନିୟର ବାଇ ସପ୍କିପର୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସପ୍କିପରକୁ କ'ଣ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେ କି ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛି ତ ପାଖାପାଖି ସପ୍କିପରକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ବି ତ ସେଇ ଭିତରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ ବି ତ ସେଇ ଚୁର ଭିତରେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ବି ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋବର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଯିବେ ପାଖାପାଖିରେ ଯିଏ ଥିବେ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ତ ଏଥିରେ ରହିଛି ଟ୍ୟୁଟର ଟ୍ୟୁଟର ତାର ପଚାରିଛି ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଟିଚର ଓକେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯିଏ ଟିଚ୍ କରେ ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଟିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଟ୍ରୁ କେତେ ଇଜି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଟ୍ରୁ ରହିଛି ଟ୍ରୁର ତାର ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରୁ ହେଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ଫଲ୍ସ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ତ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଫ୍ଟି ୱାନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କି ଚୁଜ୍ ଦ ଇଡିୟମ୍ ଇଡିୟମ୍ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ନିହାତି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ କି ୱାନ୍ ସିନିଏ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ତ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ୱାନ୍ ସିନିଏ ତ ଏଇଟା ରିୟର୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରିୟର୍ଲି ସମଥିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଭେରି ରିୟର୍ଲି ମାନେ ବିରଳ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟେ ପୁରା ବିରଳ ଭାବରେ ବା କେବେ କେବେ ଘଟେ ଏ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଓକେ ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି 52 ତ 52ଟା ଏଥିରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଡ଼ର ୱିଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଏପିୟର୍ସ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ତ ତିନିଟା ଦେଇଛି ଜିନିଷ ଓକେ ତାପରେ ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ କଳିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଦର ନେମ୍ ଇଜ୍ ଉତ୍କଳ ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏକଥା ପଚରାଇଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଭଳିଆ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଏକଥା ଆମକୁ ପଚରାଇଛି ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ କଳିଙ୍ଗ ତ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଡକା ହେଉଥିଲା ବା କୁହା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ରହିବ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ନେମ୍ କଥା କୁହା ହେଉଛି ତ ତେଣୁକରି ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ତାର ନେମ୍ କଥା ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ବି ଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ରହିଲା ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଆସିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 53ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମକୁ ପ୍ରିପେରେସନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରାଯାଇଛି ଦେ ସ ଏ ମୁଭି ଡେସ୍ ଦ ଥିଏଟର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି 53ର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଦେ ସ ଏ ମୁଭି ଡେସ୍ ଦ ଥିଏଟର ତ ସେ ଥିଏଟରରେ ଓନ୍ ହେବ ଏଟ୍ ହେବ ୱିଥ୍ ହେବ ନା ଫ୍ରମ୍ ହେବ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଓନ୍ ଦ ଥିଏଟର ନା ଏଟ୍ ଦ ଥିଏଟର ନା କ'ଣ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଇନ୍ ଥାନ୍ତା ତ ଇନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏଟ୍ ହେବ ଏଟ୍ ଦ ଥିଏଟର ବୁଝିପାରିଲେ ଓନ୍ ଥିଏଟର ହେବନି ଓନ୍ ମାନେ ଉପରେ ୱିଥ୍ ତ ହେବନି ସହିତ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ରୁ ଇଏ ବି ହେବନି ତ ଏଥିରେ ବି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପେଲିଂ ବାଲା ଆମେ ବହୁତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବିହେଭିଅର ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିହେଭିଅର ରିଲେଟେଡ୍ ଓକେ ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ ବିହେଭିଅର ସ୍ପେଲିଂ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅବଭିୟସ୍ଲି ବି ଇ ଆସିବ ତାପରେ ଏଚ୍ ଏ ଭି ଆଇ ଓ ୟୁ ଆର୍ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଏ ସର୍ନ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏବେ
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राए करूँ आपने कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारे आमको देखो यार अपोजिट पॉपुलर रो अपोजिट कथा पचार तो कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन रे आंसर जल्दी कमेंट करूँ आपने जल्दी जल्दी ट्राए करूँ ओके आ जो मैंने लाइक करना प्लीज गोटे गोटे लाइक कर दिंतु ओके पाखापाखि 2100 पिला देखुं मात्र 700 पाखापाखि लाइक कौन कौन आप गोटे लाइक दे दिंतु ये सब मैंने आम कष्ट नहीं कि आसो आप क्लास भी नहीं कि आसो कौन हम देखो पॉपुलर कौन हम अनसीन मैंने जोड़ा पूर्व देखी नथियो आपन ताकु अनक्लियर जोड़ा कि अस्पष्ट मैंने पूर्व मैंने जोड़ा कि क्लीयर नथिबो तापर अनवांटेड अनवांटेड जोड़ा कि आप चाहू नथिबो ओके तापर अनडाउटेड मैंने जोड़ा जो थी सन्देह नथिबो तो ऑब्वियसली कौन पॉपुलर मैंने जहाँ को आप जानते देखी थे ये सर न तार अपोजिट कौन हम अनसीन ये जहाँ को आप देखी नथिबे तो तेणुक ए हम यार राइट आंसर चाहूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने 56 कौन रही देखो पायलट मस्ट एब्सटेन एब्सटेन माने दूरे रहा बुझिपारे एब्सटेन डेस अल्कोहल फॉर 24 आवर्स बिफोर फ्लाइंग तो से जो सॉरी पायलट रही जेकि आप मैं एरोप्लेन जी चलाए तो सीए फ्लाए करने पूर्व तार 24 आवर पूर्व सी अल्कोहल रु दूरे रहा दरकार तो रु आसला मैंने कौन आसे फ्रम आसपारे एब्सटेन पाखे फ्रम लगे ए प्रिपेरेशन बुझिपारे इतना गोटे क्वेश्चन चलां नेक्स्ट क्वेश्चन देखने कौन पचारे देखो कैसे इजी क्वेश्चन एत हाई नुए आम पूर्व प्रिपेरेसन भी बहुत देखीजे नेक्स्ट रही कौन देखो एथेरे देखो एटेंडेंस अकर रिसीव एसबू इनकरेक्टली पचार कौन हम आप तो यार आंसर हसी हसी देदेवे कहतु टी भल देखु आप प्रोनाउंस करूँ एटा को लिखाई अटेंडेंस अटेंडेंस कहती अकर ठीक अच्छे रिसीव ठीक अच्छे सिलेबस ठीक अच्छे तो यहाँ अटेंडेंस यहाँ ए हेनी ए हम बुझिपारे ए टी टी एन डी एन सी अटेंडेंस ये इज बायर राइट आंसर ये 53 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आमको कौन पचाराई देखो ए पचाराई कि ह्विच वर्ड डिस्क्राइब्स द एक्ट ऑफ राइजिंग हाई तमें राइजिंग हाई मैंने ऊपर को बढ़िया बा हाई होबा बा आपन को इनक्रीज होबा से जिनस कौटा हम फ्लाय फ्लाय मैंने उड़ा स्पीड मैंने आप जानते बेग बा गति ओके तापर रेज रेज माने कौन आपणकर कौन रेज माने एथिरे देखंतु रेज माने एथिरे आपणकर होई परिबो जोडा कि राइज गोटे रही राइज माने वृद्धि होबा रेज माने हला पालन करबा बुझिपाले रेज जेंति छुआ पिलांकु पालन करंती यस माने छोटर बडो तो ये हला रेज तापर एथिरे कौन होबो एथिरे राइट आंसर डी ही होबो डी डी स्काइंग स्काइंग माने आकाश छुआ दर जोडा कोंतनी स्काय रु होइगला स्काइंग बुझिपाले डी होबो यार राइट आंसर मन रखंतु स्काइंग ही होबो यार राइट आंसर फ्लाय माने एथिरे उडीबा स्पीड माने गति रेज माने आपंकर जमी कहली क्या बड़ करवा ओके तो तेणुक डी हो राइट आंसर तापर देखो 59 एथेर कौन पचराई ए क्वेश्चन जोड़े रही मे गॉड सावर योर जोड़े कि चॉइसेस विशेस ऑन योर डेस्क एक पचराई तो एथेरे आमको पचराई कि कौटा ठीक हम बुझिपारे इट्स चॉइसेस विशेस हिज चॉइसेस विशेस नेक्स्ट रही देखो मे गॉड सावर योर रही योर चॉइसेस कौन हम ये देखी नि चॉइसेस विशेस तो एथेरे ए जो रही इयर पाखरे कौन लगे एथेरे तापर ब्लेसिंग रही एथेरे तापर ब्लेसिंग एथेरे रही विशेस रही चॉइसेस कौन हम इट्स हिज रही तो देखो तो एथेरे इट्स कहा पाखरे लगी था इट्स चॉइसेस देखो इट्स आपंकर नॉर्मली कौनसी जिनिस ऊपर लगी था ओके कि कौन सी लोक पाखरे तो लगे तो तेणुकर एथेरे हिज तो निहाती आसीबो ओके हिज निहाती आसीबो तो एथेरे विश जनकर विश रही था ओके बा जनकर ब्लेसिंग तो हेनी ब्लेसिंग आउ क्या दि जाए बट विश जन पाखे रही है तो तेणुकर एथेरे बी हिज राइट आंसर हिज सेसेस्ट विशेस ये हम यार राइट आंसर बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एथेरे कौन पचार देखो आमपाई द सन इज डैश एट द नून सन इज डैश एट द नून तो नून उपर किए रही आप सन रही तो सन ए जगह आम कौन कहीपर ओभर हेड हेड मैंने मुंड ओके आउ नेक्स्ट आसला एथेरे हैंड हैंड मैंने हाथ तापर हैंड एथेरे हला हाथ तो एथेरे कौन हम ओभर हैंड एटा लगे ना ओभर 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 हैंड एटा लगे कौन लगे देखो एटा ऊपर माने ये आसगल आपंकर ए ओभर हेड माने एटा होला ऊपर तो नून एट द नून सॉरी एटा नून पचराई ना हाँ तो ये हो राइट आंसर आपंकर कौन ओभर हेड ओके ओके मुझे कन्फ्यूज अच्छे रुंतु आप भाविली कौन ना ये नून नुह एटा मून लिखाई ओके मुझे कन्फ्यूज होगी तो तेज एथेरे कौन हम कौन लिखते आप ओभर हेड अच्छी एथेरी भी ओभर हेड अच्छी तो कौन हम मुंड ये सन इज आपर मुंड अच्छी केत नून टाइम जितेबाला दीपर टाइम ये तो तेणुकर डी हो राइट आंसर सॉरी मुझे स्टार्टिंग क्वेश्चन टा एथेरे मुझे भाविली मून लिखाई बुझिपारे तो तेणुकर मुझे कन्फ्यूज होगी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने ये कौन पचार देखो ये गोटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आमको कही एथेरे जदि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार तो यहाँ आपको करने पड़ो बुझिपारे
ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଲ୍ ସୋ ମଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମଡ୍ ରହିଛି ଆର୍ମଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୱୁଡ଼ଣ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ରହିଛି ଓକେ ତାପରେ ନୋ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱେଲ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ୱେଲ୍ ଇଏସ୍ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ରହିଥାଏ ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ୱେରେଲିଂ ସୋ ମଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟର୍ ସହିତ ଆପଣ କ୍ୱେରେଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ମିନିଂଟା ଓକେ ତ ତେଣୁକରି ଏ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପିଇଓ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ନା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଗକୁ ଓକେ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓକେ ତ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଗନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ଟେକ୍ ଉପରେ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ 9000 ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆମର ପିଲା ଜଏନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଇ ବୁକ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିହାତି ଏଥିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ପିଓ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା ଓକେ ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ୟେସ୍ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏଥିରେ ପଚାରିଛି କି ହୁଇଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ପଚାରିଛି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କାମ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଗ୍ରାମାର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଭାର୍ବ ନାଉନ୍ ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ ନା ଆଡ୍ଭର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାର୍ବ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଲା କାମକୁ ବୁଝାଏ ନାଉନ୍ କୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଆଡ୍ଭର୍ବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭାର୍ବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କଥା ବୁଝାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବା 63 ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି କେଉଁଟା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମିଟ୍ ପଚାରିଛି ମିଟ୍ ମାନେ କେଉଁ ମିଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମିଟ୍ ନା ଏଥିରେ ଛେଳି ମିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ୍ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ରହିଛି LANDER ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ମାନେ ଯିଏକି ଜମି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ଓକେ ବା ଜମି ଧାର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମେ ତ ମିଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ କିଏ ହେବ କି ଏଠି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମିଟ୍ ମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମିଟ୍ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କିଏ କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ମିଟ୍ ହେଲା ଦେଖା କରିବା ଓକେ ତେଣୁକରି ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଏ ବିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ହେବ ନା ଏଥିରେ ଲ୍ୟାଡ଼ର୍ ଅଛି ଲ୍ୟାଡ଼ର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ହେଲା ଏଥିରେ ଲିଡ଼ର୍ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଲିଡ଼ର୍ ହିଁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଡି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କାମ ଖତମ ଇଂଲିଶର ଏବେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ହାଉ ମେନି ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେଆର୍ ବିଟୁଇନ୍ 0 to 10 ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟୁଇନ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିଟୁଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଥିରେ ୟାକୁ କାଟିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଟୁଇନ୍ କଥା କହିଛି ତ ଏ ଦୁଇଟା କଟିବ ତ ତେଣୁକରି ମଝିରେ କି କରିଗଲା 1 to 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତେଣୁକରି 1 to 9 କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 9 ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି 9 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କଥା କହିଲା ତେବେ 0 to 10 ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କଥା ଯଦି କହିଲା ତ ତେବେ 0 to 10 ମିଶାଇବେ ଯଦି ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ 0 to 10 ତ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଥିରେ 0 to 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବରକୁ ଗଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା 11 ବୁଝିପାରିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି କହିନି ତ ବିଟୁଇନ୍ ମଝିରେ କଥା କହିଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ 0 ଛାଡ଼ିଲି 10 ଛାଡ଼ିଲି ମଝିରେ ଯେତେ ରହିଲା ତାକୁ ଗଣିଦେଲି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚରାହେଇଛି ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ସାର୍କେଲ୍ ଇଜ୍ 5 meters ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରେଡ଼ିଅସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍କେଲ୍ ଏ କଥା ପଚରାହେଇଛି ତ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ୍ ରହିଲା ବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହିଲା ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏଥିରେ ଆମକୁ କହିଛି କି ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସାର୍କେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଓକେ ସାର୍କେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଏଥିରେ 5 ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ଓକେ ଏତେ ଇଜି ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଦେଇଛି 5 meters ତ ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତାପରେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କି ତା'ର ରେଡ଼ିଅସ୍ କେତେ ସେଇଟା ତ ସେଇ ନିଜେ ରେଡ଼ିଅସ୍ ନା ରେଡ଼ିଅସ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଅସ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରେଡ଼ିଅସ୍ ହେଉଥିବ ସାର୍କେଲ୍
ପାଞ୍ଚ ଓଭର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ଟାଇପ୍ର ବି ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରୁ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ସମ୍ ମାନେ ଦୁଇଟି ମୂଳଧନ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ, ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ 10 ଇୟର୍ସ। ତ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଗଲା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏଟ୍ 10% ପାର୍ ଆନମ୍। ତ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ସରଳ ସୁଧ ଅନୁସାରେ। ଇଫ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟୁ ସମ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ, ଯଦି ତେବେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏହାର ଯେତିକି ରହିଛି ଏହାର ବି ସେତିକି ରହିଛି, ପ୍ରଥମଟିରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଓକେ, ଏହାର ବି ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ତେଣୁକରି ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ଦୁଇଟାକୁ ମୂଳଧନ ସମାନ ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ତେଣୁକରି ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଏଟା କହିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏହାର ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ, କାହା ଅପେକ୍ଷା, ଏହା ଅପେକ୍ଷା, ଏଟା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିର, ଏଟା ମନେ କରନ୍ତୁ କ୍ୟୁର, ଏହାର କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଏହାର କମ୍, ତ ସେ ଜାଗାରେ ପି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି, ସେମ୍ କଥା ପଚାରୁଛି ଇକ୍ୱାଲ, ତ ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଏହାର ଯାହା ହେବ ଏହାର ବି ତା ମାନେ ଏଥିରେ ପି ଆଉ କ୍ୟୁ ସମାନ ହେବ, ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ପଚାରିଛି 67 ଏ ବଟ୍ ମୁଭିଂ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ ଏଣ୍ଟର୍ସ ଏ ରିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଗଜ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର୍ରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଆମର ବୋଟ୍ଟେ, ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ଗୋଟେ ରିଭର୍କୁ, ଓକେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରୁ ରିଭର୍ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଗଲା, ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ତଳ ଆଡ଼କୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ରିଭର୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା ତଳ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲା ଉପର ଆଡ଼କୁ, ତ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହିଁ ହେବ, ୟେସ୍, କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍, ଟଙ୍କାକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚ୍ ସିଏଫ୍, ଟୁ ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ତା'ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଆଉ ଏଚ୍ ସିଏଫ୍ ପଚାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଟାର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଟୁର, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମନ୍ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ନାହିଁ, ତ ତେବେ ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ବା ତା'ର ଯେଉଁ କ'ଣ ତା'ର ଗସାକୁ ସେଇଟା ୱାନ୍ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେବ, ସେଇ ଦୁଇଟାର କୌଣସି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ନାହିଁ, ମାନେ 2 × 1 = କେତେ ହେବ, 2 ହେବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ 2 ନେଇଯିବା, ଏଲ୍ସିଏମ୍ 2 ଅଛି, ଆଉ ଏଚ୍ସିଏଫ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଚ୍ସିଏଫ୍ଟା 1 କରିବା, ତ ତେବେ ଏଠି 1 ଅଛି, ତେଣୁକରି ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଏଥିରେ ପଚାରିଛି 69, ତ ଏଥିରେ 10 ମିଟର ଲଙ୍ଗ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଟୁ ଫର୍ମ 2 ସ୍କୋୟାର୍ସ, ଇଫ୍ ଦ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଏତିକି ମିଟର, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରେଡ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ଏ କଥା ପଚାରିଛି। ଏଥିରେ ତା ମାନେଟା କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଦିଆଗଲା, ଓକେ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଦିଆଗଲା, 10 ମିଟର ଲଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ତ ସେଇଟା ତା'ର ଏଥିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା 10, ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଲା 10 ମିଟର, ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଗଲା, ଓକେ, ତ ତେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ଇଫ୍ ଦ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍, ସ୍କୋୟାର୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଏଥିରେ ବି 5, ଇଏ ବି 5 ହେଲା, ଇଏ ବି 5, ସବୁଆଡ଼େ 5 ରହିବ ନା, ଏ ସର୍ନ, ଏଥିରେ ବି 5 ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଗଲା। ତା'ପରେ ପଚାରୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରେଡ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ତ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲର ବ୍ରେଡ୍ଥ ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ଏଟାର ତା'ର ବ୍ରେଡ୍ଥ ବା ତା'ର ଓସାର, ଓସାର କେତେ ହେବ, 5 ମିଟର, ତ ବି ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏ କଥା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ୟେସ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, 70, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 16, ତ ମାନେ ଷୋହଳର ତା'ର କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 16, ପୁଣି ତା'ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ଷୋହଳର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ତା'ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ତା ମାନେ ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳର ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ କଥା ପଚାରାଯାଇଛି, କେତେ ହେବ ଆମକୁ, ଓକେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ପ୍ରଥମଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ନ ଲେଖିକି ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଥମଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ପ୍ରଥମଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ, ତ ତେବେ ଏଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ଏଟାରେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଷୋହଳର ପାୱାର କେତେ, ପାୱାର ହେଇଯିବ 1/2, ରୁଟ୍ ଓଭର୍ଟାକୁ 1/2, ତା'ପରେ ଆଉଟ୍ ରହିଛି, ତ ଆଉଟ୍ ରହିଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 1/2 ଏଠି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ତେବେ ଏଠି ଯଦି 1/2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ତ ଷୋହଳର କେତେ ହେଇଯିବ, ଷୋହଳର 1/4 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ମାନେ ଷୋହଳଟା କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, 2ର ପାୱାର ଏତିକି, ତା'ର ପାୱାର କେତେ ରହିଛି, 1/4, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବି, କାହାକୁ, ଫୋର୍କୁ ଫୋର୍ ସହିତ କଟିଦେଲି, ତ 2 ହେଇଗଲା ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରିଲେ। କି ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ସଲ୍ଭ କରିଛେ, ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇନି, ଥିଓରି ବେସିସ୍ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପର୍ସନ୍ କଭର୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ, ଟାଇମ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ଟି, ଆଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଗଲା, ତା ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ, ତ ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ। ହୁଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ
फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ द पर्सन। तो ये जगह आपंकर कौन हम तो ये जगह देखो तो स्पीड इज इक्वल टू आम जानूँ डिस्टेंस बाय टाइम बट यहाँ हम डिस्टेंस बाय टाइम यस तो तेणुकर ए हम राइट आंसर आम भल भाव आउ कौन जानूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम यहाँ गोटे फर्मुला आपट सपोर्ट करदे यार आंसर आस सर न चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचार आमको ओके आउ बड़ कथा देखो जो मैंने सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन दबेक रखुदूँ आगे आम जो पीओ कि डिफरेंट एग्जाम आम ये लाइव क्लास नहीं आसो डिस्कस कर बहुत सारे जिनस ओके चलो ये कौन पचार देखो सुरेखा हेज फाइव रेड बॉल्स इन ए बैग तो मेरे देखते प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आसगला तो आम आशा कर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आसो बट आसी जाइए क्वेश्चन आपंपाई तो ताकि तो जेल वार्ड्र भी आम आशा कर क्वेश्चन आसगला प्रोबेबिलिटी एथे आम कौन पचार देखो गोटे सुरेखा ताकत गोटे बैग था तो बैग्रे पांचटी कौन थी आपको रेड बॉल थी से जगह से कौन कला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट ड्रोन बॉल इज ए रेड बॉल तो मैंने से जो उठेला गोटे बॉल ओके जिते से गोटे बल उठेला तो से बल्टी रेड होबार प्रोबेबिलिटी कौन रही है कथा आमको पचार तो से जगह रेड होबार प्रोबेबिलिटी कौन हम रेड प्रोबेबिलिटी माने कौन संभाव्यता जोड़े कि केते चांस रही ओके से कथा मीनिंग तो देखो जिते बार आप उठेबे गोटे बल तो से जगह आपटा तो रेड निहाती हम ना तो तेणुक प्रोबेबिलिटी 100% बामें वन कह कौनपाई ना ऑलरेडी सब गुड़िक आपंकर रेड रही बुझिपारे तो जिते गोटे उठे मैंने निहाती से गोटे रेड आसो आपंकर तो तेणुक 100% से भी ठीक हाँ वन दे मैंने से ठीक हे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचार आमको 73 कौन पचारा सिंप्लीफाई करते कही तो तेणुक ये मुझे सल्व करी केमी क्वेश्चन देखो आपंकर एथेर कौन ना एटा सतीस को आम जब भांगी दबा केमी हम प्रथम सतीस रहा सतीस को मुझे कमी लिखिपारि रुट क्यूटा को वन बै थ्री लिखिदे येस तर प्लस एटा कमी लिखिपारि एमर देखो रुट ओवर फोर के टू हो डायरेक्ट मुझे टू लिखिदे प्लस वन करदे देखो सतीस को मुझे कमी भांगी पारि तीन रवर केन तीन नौ सतीस तार पावर है वन बै तीन तो ये तीन तीन कैनसल प्लस टू अच्छी प्लस वन अच्छी ये टू एक तीन आठ रहा तीन 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 छाला बी हो रईट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचार ये भी देखते केते इजी क्वेश्चन 74 ए मैन बायज ए बॉक्स गोटे बॉक्स को बाय कला 400 टंका देकी बिकी देला 444 टंका तार प्रॉफिट केते हो एटा गोटे जो पिला भी पढ़ी नथियो तार आंसर दे पारिबो बुझिपारे के पढ़ी नथियो माइनस करके आंसर दबो जोटा कि 444 माइनस कर दिंतु तो केते हो यार राइट आंसर 44 तो ये हो राइट आंसर सी देखो मत जहाँ लगुच ना पूर्वर जो आपंकर लेवल थी ना जो 2018-12-13 से तो किसी फर्मुला पचारूला आ बहुत सारा जिनसू लेवल आहरी कमे मैथमेटिक्स आय सब आप जानपरते हैं आम भावलू ताठू लेवल बढ़े कि लेवल कम अच्छी आपंकर ठीक अच्छे चलो 75 इन ए क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 14 गर्ल्स तो गोटे क्लास केत बॉय अच्छा 30 बॉय आउ 14 गर्ल्स अच्छा रेसीओ पचार डायरेक्ट रेसीओ पचार तो तेज रेसीओ कैसे जीव ये 30 ऊपर रहा 14 तले रहा तो आम जी दुई दुई काटिद के दुई दुई काटिदे ये हो 15/7 तो राइट आंसर बी हो राइट आंसर ठीक है तापर देखते ये आमको पचार कौन ना थ्री बेबीज आर बर्न मन कर तीन जन बेबीज तीन जन पिला जन्म ने ठीक है तो तापर देखो ये कौन पचारा के जन्म ने ना 6 AM से जन्म ने तापर कंजिक्यूटिव डेज ता मैंने एनोटी डेज दी जोटा कि 15 तारिखर गोटे मसर तापर 16 तारिख तापर ए 17 तारिख दिगला ठीक केत जन्म ने जोटा कि मैंने 6 AM ओके 15 गोटे 16 गोटे आ गए 17 तापर नेक्स्ट पूछा ह्वाट इज द सम ऑफ देयर एजेस ऑन द 18th बेलू तार एज से सम ऑफ एज के पचारे ए कौन पचारा तो तेबर सम जो आम बाहर करवा देखो 18 तो 15 आउ ये 18 भितर डिफरेन्स के 15-18 भितर डिफरेन्स है 3 आउ 16-14 भितर 16-18 भितर डिफरेन्स के 2 17-18 भितर डिफरेन्स के 1 तो 3-2-1 के 6 तो राइट आंसर बी हो यहाँ गोटे क्वेश्चन आसते आप तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन पचार आमको देखो ए पी क्यू आर एस तीन जन चार जन दी कौन ना तांकर वर्किंग डेज दी मैंने गोटे काम को पी 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली दी पी को गोटे दिन क्यू को 2 दिन आर को 3 दिन एस को 4 दिन तार पचार जदि पी आउ क्यू गोटे काम को स्टार्ट करती टुगेदर टू फिनिश द वर्क इन द सर्टेस्ट पसिबल टाइम देन फाइंड टाइम इट विल टेक् टू फिनिश द वर्क देखो किसी पिला एटार केमी कर भूलटा केमी हो पाए देखो आम कौन पचार पी आउ क्यू रिलेसन देखिए आप आर आउ एस को मिसेबे बुझिपाले ना जस्ट आप बाहर करूँ पी आउ क्यू केमी कौन करो पी रही पी रोटे दिन लगुच क्यू रो लगुच के
दुई दिन तो तेज तर ही नि आर एस को जी ने तो अलग किसी आंसर आस बुझे तो तेणुक या लसा के दुई तो जब दुई को एक सहित डिवाइड करवा तो ये आपको दुई आक सहित डिवाइड कले ये वन तो तेज एफिसीयसी को आम पाइल पी रुई आउ क्यू रहा वन तो ये दुटा को मिसेदे के तीन तो तीन को डिवाइड कर दिखाँ दुई सहित तो ये हो दुई बाय तीन यार राइट आंसर ए होवार राइट आंसर ये सर न तो ए होवार राइट आंसर दुई बाय तीन चलत नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमको कौन पचार ये टी पी कन्फ्यूज करपे सेवेन्टी एट ए कौन रही है आम क्वेश्चन टी ए देखो ये गोटे थीओरी बेस्ड क्वेश्चन एन से फर्मुला फर्मुला किसी भी लगे टी देखिए आपको एनसर देखा पड़ो ए सेवेन्टी एट ए दिहार दुटा टैंक गोटे टैंक है मन करूँ ए ओके आउ गोटे दिहला मन करूँ बी तर ए कौन पचारा टू आइडेंटिकल टैंक्स आइडेंटिकल मैंने सेम सेम टाइप टैंक टैंक ए एंड टैंक बी हैव टू एंड थ्री हॉल्स तो तेज कैसे हॉल रही यार है दुटा आ यार कैसे यार है तीन टा मन करूँ एक रहा कौन पचारा एक देखो नेक्स्ट रहा इन दियर बटम बटम मैंने तले बुझिपाले ना तले रही है हॉल ए पाइप फिल्स इच टैंक इन ट्वेंटी आवर्स तो ट्वेंटी आवर्स कौन रहा ट्वेंटी आवर्स लगुच ट्वेंटी आवर्स गोटे पाइल गोटे ये या लगुच ट्वेंटी आवर्स से फुल कर पार्टी गोटे पाइप इफ द हॉल्स एम्प्टी फुली फिल्ड टैंक ए एंड बी इन एक्स एंड वाई आवर्स ओके रेस्पेक्टली देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई ताने कौन देखो कहला कि जदि जदि यू से खाली करने एक्स आवर लगुच एटा को खाली करने वाई आवर लगुच तो ये आमको एक्स आउ वाई भितर ए रिलेसन बाहर करने कही देखते ए एटा जो दुई कोड़े घंटा कथा कही तार आउ भैल्यू कि नाई छाड़ू एवं देखो आपत कहतु गोटे जिनस यही जो दुटा दुटा गोटे जगह दुटा कणा आ गए जगह तीन टा कणा तो कौटा जल्दी सर थो डेफिनेटली तीन टा कणा मैंने एटा जल्दी सर थो ये सर न तो ये जल्दी जल्दी सर थो यार टाइम कौन थी यार टाइम कम थी आटा आपंकर दुटा कणा मैंने एटार टाइम अधिक थी अधिक टाइम अधिक लेट्रे कमु ओके बा सर थो तो तेणुक एक्सट्र भैल्यू अधिक तो तेणुक आम बी लगे यार राइट आंसर बी होवार राइट आंसर बुझिपाले एथेर एक कथा पचार तापर देखो सेवेंटी नाइन जिके क्वेश्चन आसगला आपको सेवेंटी नाइन में कौन पचार हुई ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओडिशा नेबरिंग स्टेट तो यहाँ कौन कह क्वेश्चन तो समस्त तो निहती मुखस्त थी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश यार आंसर कौन हम ये जो बी यार राइट आंसर सेवेन्टी नाइन झारखंड ओके तापर देखो ये आमको कौन पचार भितर वन डे डबल सेंचुरी किए लगे एक पचार तो कहतु आम या पूर्व ही देखूँ डबल सेंचुरी वाला जो थी ईशान किशन कथ कहूँ आपको ओके स्पोर्ट रिलेटेड किंतु एमको पचार आउ किए लगे ये कपिल देव विराट कोहली सचिन तेंदुलकर ना ये महेन्द्र सिंह धोनी किए लगे कहतु कौन राइट आंसर वन डे क्रिकेट मैच कौन हम ये देखो सचिन तेंदुलकर विराट कोहली तापर कपिल देव महेन्द्र सिंह तो ऑब्वियसली आपंकर सचिन तेंदुलकर लगे सहित रोहित शर्मा ईशान किशन आउ वीरेंद्र सेहवाग ये तो तेणुक ये सी हो राइट आंसर एपर आमको कौन पचार देखो एट वन एट वन है कि हू एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वन द नोबेल प्राइज फर फिजिक्स तो भितर फिजिक्स किए नोबेल प्राइज पाई एक आमको पचार तो यार आंसर कौन हो सी भी रमन ओके तो सी भी रमन यार राइट आंसर हो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन पचारा 82 82 रे आमको पचार द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा वाज इलेक्टेड फ्रॉम डेस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ए भितर कौ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अनुसार आमर जो चीफ मिनिस्टर रही तो सी इलेक्टेड होती एक पचार आमको कहतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जल्दी दिंतु कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम हिंजिली सॉरी जोड़ा कि हिंजिली बोली कहा जाए हिंजिली जोड़ा कि आप जहाँ भी कहीपरेंगे ये जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कौन पचार आम देखो डैम रिलेटेड आम देखूँ आपको कही डैम रिलेटेड निहत देखी जातु ये हीराकूद विषय पचारा द लंगेस्ट डैम हीराकूद ऑन महानदी रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ओडिशार कौ डिस्ट्रिक्ट आपंकर हीराकूद डैम रही जोड़ा कि महानदी उपर यह अवस्थित एक आमको पचार कौन हम यार राइट आंसर जोड़ा कि कौन संबलपुर हम यार राइट आंसर ये पिला राइट आंसर भी आज संबलपुर जिकेटा तो आपपारे ये मुझे एक्सप्लेनेशन आ कौन देवी आपको चलत नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन रही है 84 ए रही देखो जोटा कि मंगलजान ओके मंगलजान मिशन इज द अल्सो नन एज एम ओ एम बा मम सिलेक्ट द फुल फर्म अफ मम मम्र फुल फर्म ए बाहर करने कौन हम मेन अन् ए मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन मिशन अफ द मोमेंट तार मेन्ड ऑर्बिटिंग मिशन कौन हम यार राइट आंसर 84 जल्दी कहतु कौन हो पारे तो बी ही हम यार राइट आंसर जोटा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मन रखुद मम्र फुल फर्म बुझिपारे जिके कथा टी देखी
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ ୟୁନିଅନ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ମେନି ୟୁନିଅନ ଟେରିଟୋରୀ, ତ ଏଥିରେ କେତୋଟି ୟୁନିଅନ ଟେରିଟୋରୀ ରହିଛି ଏ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ, କେତୋଟି ୟୁନିଅନ ଟେରିଟୋରୀ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି, 6, 7, 8, 9, କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ 8ଟି ରହିଛି ଜିକେ, ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଗର, ତ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଗରର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ହବ ବା କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଗର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କ'ଣ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟେସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଧିକ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଗରର, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଗର ତା'ର ହୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଜ୍ ବିନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ତ କ'ଣ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟାକୁ ନେଇକି, ଏଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେରି ଟେଲ୍ସ ନା ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ, କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି, ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ତା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଓକେ। ତ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏବେ ପୁରା ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦିଗରେ, ଓକେ। ତ ତେଣୁକରି ନିହାତି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ କଥା ପଚାରିଛି, 88 କୁହନ୍ତୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଜୟରାମ, ରମେଶ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ, ଓକେ। କ'ଣ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି, 88 ଟ୍ରାଏ, ଇଏ ହବ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ, ତ ଡି ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଓକେ। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ତାକୁ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ଦ ରିଭର ମହାନଦୀ ଫ୍ଲୋଜ୍, ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ପଚାରିଛି ତା ରିଲେଟେଡ଼, ତ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଏ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଆମକୁ ଏ କଥା ପଚାରିଛି, ତ କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, କେଉଁ କେଉଁ ଇଏ ଦେଇକି ଏଇଟା ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ମହାନଦୀ, କ'ଣ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼, କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର, କେଉଁ କେଉଁ ଇଏ ଦେଇକି ମାନେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଏଥିରେ କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ୟେସ୍ କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ସେଇଟା ଆସୁଛି, ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଉଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼, ଓକେ, ସି ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରାଯାଇଛି ଏଥିରେ, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ହାଭ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏ ଭିତରୁ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ରହିବ, ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହାର ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍, କେରଳ, ତାପରେ ମିଜୋରାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେରଳ ହିଁ ହବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ହାଏଷ୍ଟ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ବା ଅଧିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ରହିଛି ଏଥିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ତ ମୁଁ ତା'ର ଟିଚର ନୁହେଁ, ତ ସରି, ଆଉ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ ଛନ୍ଦ ସମାସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଥିରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମୁଁ ଟିଚର ନୁହେଁ, ତ ବାସ୍ ଇଏ ହିଁ ଥିଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲବେଟି, ଓକେ। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି କେଉଁ ଆନ୍ସରଟି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 90 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ କେତେ ରହିଲା ସେଟା ବି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ୟାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଲେଭେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜିରୁ ମଡ଼ରେଟ୍ ରହିଥିଲା, ତ ଏତେ ହାଇ ବି ନଥିଲା, ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା, ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିକେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 17 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ତ 13-14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲ କରିଥିବେ, ଓକେ। ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ, ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏହା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି,
ओके आउ पीओ पाई जदि ई बुक इंटरेस्टेड अच्छा आप तो डेफिनेटली पीओ पाई भी नहीं पारे तो ये ई बुक रही है एप्लीकेशन रे पाइपे ओके तो पीओ पाई ई बुक जो थी 8000 एमसीक्यू रोज एक्सप्लेनेशन रोज पुरुष क्वेश्चन रोज आपारे जाकि चेक कर निंतु ई बुक को सब्जेक्ट व्वज क्वेश्चन रोज ता सहित जो कम्बो पैक आपने इंटरेस्टेड तो देखू भी नहीं पारे ए बुझिपारे जो थी ओडिशार समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने यूर हिं पारे मन रखु जितने आसा 20000 क्वेश्चन एथेर रही आपण ओके जार प्राइस यार देखो 199 ही रही तो जाकि चेक कर नि जिते सब जिके ओडिया इंग्लीश पेडागोजी मैथ कि आउ जहाँ जहाँ सब रही सब्जेक्ट व्वज सबकि आपारे लास्ट 5 वर्षर क्वेश्चन आपने यूर हिं पारे ओके 20000 एमसीक्यू तो यूर आपंकर ओडिशा जिके आम जहाँ डिस्कस करूँ तो मैक्सीम क्वेश्चन आसते आपर ठीक अच्छे आउ ता सहित एक कथा मुझे ता सहित देखते पीओ आउ जो जे पाई आम ऑलरेडी फुल टेस्ट भी लॉन्च कर दे तो या जाकि आपने फुल टेस्ट भी दे पारे आम एप्लीकेशन जाकि चेक कर नि तो बास यहाँ ही भिडियोटे तो आ कि ना ओके आई होप आप बहुत भल करेंगे तो आपंकर के निति मत कमेंट बक्स में जनइबे आम गोटे आम टेलीग्राम ग्रुप जो अच्छी रही आम गोटे पुल करूँ ओके जो थी कि कहार के रहा निहती आपरी भी जापारे किए के आंसर देखते यही टेलीग्राम ग्रुप आपने जापारे ठीक अच्छे तो यही तरह बास वीडियो निहत लाइक करूँ शेयर भी करूँ आउ थैंक यू फॉर वाचिंग।